खोराबार पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर पैसा लेने वाले कबूतरबाज गैंग के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर गोबरहिया चौराहे के पास से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सोनू यादव पुत्र सुरेंद्र यादव निवासी राजगढ़ थाना गगहा जनपद गोरखपुर, दूसरा चंदन यादव पुत्र स्वर्गीय रविंद्रनाथ यादव निवासी कुनवार राजा थाना गोला जनपद गोरखपुर, तीसरा कमलेश यादव पुत्र तपेश्वर यादव निवासी मितानपुर खुर्द थाना गगहा जनपद गोरखपुर, चौथा निकेतन त्रिपाठी पुत्र वेद प्रकाश त्रिपाठी निवासी छपरा थाना गगहा जनपद गोरखपुर, हाल पता मालवीय नगर थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक कार, 2 लैपटॉप एडाप्टर के साथ 88 पासपोर्ट भारतीय गणराज्य के, 4 मोबाइल सिम कार्ड के साथ, 9 सिम कार्ड पेम्पलेट, 1 कूटरचित आधार कार्ड की छायाप्रति, 1 अदद कंपनी के मुहर, 3 आधार कार्ड व 2 अदद पैन कार्ड बरामद किया। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग बॉम्बे की एक कंपनी के माध्यम से फर्जी तरीके से लोगों को विदेश भेजने के नाम पर पैसा ले लेते हैं। जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो हम लोग भाग जाते हैं। अभियुक्तों द्वारा मिलकर अपने दोस्त कमलेश यादव के आधार कार्ड को कंप्यूटर के माध्यम से एडिट करके उसे कर्मेश यादव बना दिया, ताकि फर्जी पहचान दिखाकर रूम मिल जाए, और जब लोगों से विदेश भेजने के नाम पर रुपए एकत्र हो जाते हैं तो या लोग एकत्र रुपए लेकर भाग जाते हैं, और पता गलत होने की वजह से कोई इन लोगों को पकड़ नहीं पाता था। एसपी सिटी ने बताया कि 4 अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक आशुतोष कुमार राय, हेड कांस्टेबल हरेंद्र प्रसाद, अशोक सरोज, अनिल कुमार गुप्ता, कांस्टेबल कृष्ण कुमार दुबे, अभय सरोज शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, वीजा इसमें नहीं है, यहाँ वीजा लगेगा, अभी लगता है, मेडिकल होता फिर जाता, फिर वीजा लगता है। जनपद गोरखपुर में खोराबार पुलिस द्वारा एक विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वालों की गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के 4 सदस्य हैं, जिसमें कमलेश यादव, चंदन यादव, निकेतन त्रिपाठी एवं एक अन्य सोनू यादव इस गैंग के सदस्य हैं। इन लोगों ने कुछ दिन पहले कैंट कुसमी बाज़ार में इन्होंने मकान किराए पर लिया, वो भी एक फ्रॉड तरीके से। कमलेश यादव का नाम कर्मेश यादव करके इन लोगों ने मकान किराए पर लिया एवं गाड़ी बदल बदल कर ये लोग आते थे। इसलिए मुखबिर खास की सूचना पर बाद में जब रेकी की गई तब पता चला कि ये लोग इस तरह का काम करते हैं। इन लोगों ने विदेश की भेजने के नाम पर 70,000 रुपये पर व्यक्ति से 70,000 रुपये लेते थे एवं मेडिकल करवाने के लिए 3,500 रुपये लेते थे। 2 महीना पहले इन्होंने अपना ये सेटअप शुरू किया खोराबार थाना के अंतर्गत एवं 40 लोगों का अभी तक ये मेडिकल करा चुके थे, लेकिन समय रहते ही खोराबार थाना की तत्परता से सिर्फ मेडिकल करवाए गए लोगों को ही ये सिर्फ लोग लूट सके। 3,500 रुपये हर व्यक्ति से इन्होंने लिए हैं और विदेश भेजने की नाम की ठगी होने से पहले इन लोगों को बचा लिया गया है। इन लोगों के पास से 88 भारतीय गणराज्य के पासपोर्ट, 9 सिम, 2 लैपटॉप एवं 1 अदद 4 व्हीलर गाड़ी बरामद हुई है। इसका मास्टरमाइंड मुंबई में बैठा एक व्यक्ति है, तो उसकी भी तलाश जारी है, लेकिन ये यहाँ पे जो आए हैं उसमें चंदन यादव नाम का व्यक्ति है जो इनका मास्टरमाइंड है। इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया कि ये बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। ये लोग गोरखपुर के लोगों को झांसे में नहीं लाते हैं, आसपास के जनपद के लोगों को ये लोग निशाना बनाते हैं।